नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है, किसी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, चालाक से चालाक, बड़े से बड़ा शत्रु, मित्रों एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका हम आपको आज बताएंगे जिसे आप कर लें आपके पैरों पर आकर गिरेगा। एक बार का उपाय है मित्रों और अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करते ही कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मित्रों इसके असर से बच नहीं सकेगा और खुद आपके पैरों पर आकर गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। क्या करना है आपने? इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन ना करें, इसके अलावा आप किसी भी दिन सप्ताह में इसे कर सकते हैं। आपने ये उपाय रात के समय करना है। रात 9 बजे के बाद आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, 1 बजे से पहले, अगली तारीख के 1 बजे से पहले। आपने क्या करना है? सबसे पहले आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, हल्का सा, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 5-7 चम्मच पानी ले लें, थोड़ा सा, कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी की एक गांठ रखनी है, जो हल्दी होती है एक हल्दी आप रखें अपने पास, साबुत हल्दी जो होती है उसे रख लें। उस हल्दी को आप इस पानी में एक बार डुबोएं और अपने शत्रु का 3 बार नाम लें, उसके बाद इसे वापस बाहर निकाल लें। और निकालने के बाद आप चाहें तो इसे पोंछ भी सकते हैं, आप कोई कपड़ा या कागज, इस तरह की कोई वस्तु लेकर बैठें। इसके बाद आपने इस हल्दी को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में रखना है, यानी बंद कर लेना है। ऊपर से अपना दायां, यानी सीधा जो राइट हैंड होता है, वो रख दें। और उसके बाद अपने शत्रु को ध्यान करें, उसके चेहरे को सोचें और वीडियो में दिए गए मंत्र का आप 3 बार उच्चारण करें। मंत्र आपने याद करके ही बोलना है, आंखें बंद करके बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम ह्रीं क्रीं वक्र शत्रु नष्टे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं वक्र शत्रु नष्टे फट स्वाहा। जिस स्थान पर शत्रु दिया गया है, आपने शत्रु के स्थान पर उसका नाम लेना है। मंत्र आपने जब 3 बार बोल लिया, उच्चारित कर लिया, उसके बाद वो हल्दी का टुकड़ा आपने किसी कागज़ पर रखना है। कोई भी एक कैसा भी कागज़ लें, अखबार का टुकड़ा भी हो सकता है और कोई भी ऐसी सफ़ेद कागज़ हो या किसी भी रंग का कोई कागज़ हो, आप ले सकते हैं, उसमें इसे बंद कर दें। और बंद करने के बाद ऊपर से एक काले रंग के धागे से इसे लपेट दें। 3 बार आप उसे घुमाएं और एक गांठ लगा दें, बाकी का हिस्सा तोड़ दें। अब आपने, जब भी आप सोएं, इसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर अपने पास रखें, जब आप सोएं इसे आप अपने पैरों के नीचे की तरफ रख के सोएंगे। कहने का अर्थ, सिरहाने पर ना रखें, पैरों की ओर रखें जैसे भी सोएं, और अपने बिस्तर पर दबा लें एक जगह। पानी, आप जो पानी आपने लिया था, उस पानी को आप कहीं भी गिरा दें, उसका विशेष कार्य अब नहीं है, आप कहीं भी डाल दें उस पानी को, और कटोरी को धोकर आप वापस रख दें। प्रातः जब आप उठें, यानी सुबह के समय जब भी आप सोकर उठेंगे, आपने ये जो टुकड़ा है हल्दी का, इसको धागा तोड़ दें और निकाल लें। धागे को आप कहीं भी किसी पौधे के आसपास छोड़ दें, या खाली स्थान पर भी आप कहीं भी गिरा सकते हैं। और जो हल्दी है, इसको आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर छोड़ाएं। ध्यान रहे मित्रों, या तो पीपल का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, आप वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ नहीं है, कोई आसपास इस तरह का वृक्ष ना हो, तो मित्रों आप किसी वीरान जगह पर कोई देख ना रहा हो, इसे मिट्टी में दबा दें। इतना कार्य मित्रों आप करें और लौट कर आ जाएं बिना उस ओर देखे। घर आने के बाद अपने हाथ पैर एक बार अवश्य अच्छे से धो लें, और उपाय जब भी करें उससे पहले भी आप स्वच्छ होने चाहिए। अब दें आज्ञा मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, नमस्कार।